Hi. You only want to say about the campaign. Ready. Some roll kar raha hai. Camera. Roll kar raha. About the campaign. Yeah, so I'm here for United by Half, which is a campaign by United Colors of Peniton on women empowerment. And the whole idea of United by Half is the idea that women are claiming their half. So we don't want to be better than men, we don't want more than men, but we want to be equal to men. And I think it's a very important campaign. I think it's also very relevant today. It's a global conversation. And and it means that men and women need to work together rather than separate from each other. बल्कि किस तरीके से देखते हैं डिफरेंस को मेल और फीमेल के, जिस तरीके से आज के टाइम में किया जाता है कि हमेशा वुमेंस को एक मेल से छोटा मारा जाता है, छोटा कहा जाता है, जैसे गांव एरिया में या किसी भी, तो आप किस, आप क्या कहना चाहेंगे सर? परसिस्टेंस हैज बीन डन इन इंडिया दैट एक लड़की है तो उसको पिंक ही पहनना चाहिए और एक लड़का है तो वो स्टेरियोटाइपिंग बहुत है. एब्सोल्युटली मेल और फीमेल जेंडर स्टेरियोटाइपिंग बहुत है. और क्या होता है कि जब फीमेल्स को स्टेरियोटाइप करते हैं, वो बोलते हैं कि लड़की को ऐसे काम नहीं कर सकती है, वो मोटर बाइक नहीं राइड कर सकती है, ऐसे जब हम कहते हैं, वो तो वो ऑटोमेटिकली मेल स्टेरियोटाइपिंग भी होता है कि लड़का मर्द होना चाहिए, माचो होना चाहिए, उसको मतलब रोना नहीं चाहिए. और ये लिमिटेशंस हो जाता है सोसाइटी में. क्यों एक लड़की फुटबॉल नहीं खेल सकती, क्यों एक लड़का आर्टिस्ट नहीं बन सकता है? तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये बदल सकते हैं हम. एंड आई थिंक वो कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहा है और लोगों सोच रहे हैं इसके बारे में. तो कभी एक फिल्म होता है जैसे पीकू, जहाँ पे दीपिका पादुकोण इज़ द मेन हीरो ऑफ द फिल्म. वो तो हीरो है. कोई ऑफन जब मैं कोई फिल्म कर रही हूँ, लोग मुझे पूछते हैं हीरो कौन है फिल्म में, तो लाइक मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ में मैं बोलती हूँ मैं ही हीरो हूँ. तो वो बहुत ज़रूरी है कि फीमेल हीरोइंस भी है, मेल हीरोज भी है, कि हम इक्वल है, हम सब इंसान हैं पहले, उसके बाद हम एक मेल या लड़का या लड़की है, लेकिन पहले हम इंसान हैं. You also doing a show on a Fox Light traveling show. What was that? Tell us something. Fox Traveler पे एक bike show किया था मेरे पापा के साथ, और वो भी एक gender stereotype break किया हमने, क्योंकि लोग सोचते हैं कि लड़की bike नहीं bike पे नहीं जाती है. And it was through North East. वो भी क्योंकि हम ज़्यादा North East को explore नहीं करते हैं मेरे हिसाब से, और वो बहुत खूबसूरत जगह है, तो हमने असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में ट्रैवल किया था. वैलेंटाइन प्लान्स मैं शूट कर रही हूँ गोवा में फॉर माय वेब सीरीज स्मोक. तो मुझे पता नहीं, शायद एक सीक्रेट लवर मुझे अच्छा कुछ भेज देगा, पता नहीं क्या होगा. और शायद मैं भेज सकती हूँ किसी को सीक्रेटली. मैं सीक्रेटली करूँगी. थैंक यू.